डिंडोरी में गांवों के किसानों ने जल संसाधन विभाग को घेरते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और जिम्मेदार अधिकारियों को खूब खरी खोटी सुनाई। किसानों का कहना है कि वर्षों से क्षतिग्रस्त जलाशय और नहर की मरम्मत न होने से किसान परेशान हो रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। डिंडोरी में पडरिया के 4 गांवों के किसानों ने पडरिया 3 में क्षतिग्रस्त जलाशय नहर की मांग को लेकर जल संसाधन विभाग का घेराव किया और वर्षों से क्षतिग्रस्त जलाशय और नहर की मरम्मत न होने से परेशान किसानों ने जल संसाधन विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए जल संसाधन विभाग को खूब खरी खोटी सुनाई। किसानों का आरोप है कि पडरिया 3 में लगभग 30 वर्ष पहले बांध नहर बना था जो क्षतिग्रस्त है, जिसके कारण 3 वर्षों से किसानों को जलाशय का लाभ नहीं मिल रहा है और ग्रामीणों ने इसकी कई बार शिकायत जल संसाधन विभाग और कलेक्टर से कर चुकी है, लेकिन जिम्मेदार विभाग ने जलाशय का कोई सुधार नहीं कराया, जिससे किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं। वही किसानों ने ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी है कि यदि 15 दिनों में क्षतिग्रस्त जलाशय नहर की मरम्मत का काम चालू नहीं होता है तो वे चक्का जाम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जिसके बाद जल संसाधन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि एस्टीमेट बनाकर शासन को भेज दिया गया है, स्वीकृति मिलने के बाद ही काम चालू करवा दिया जाएगा। सर, ये बांध हमारे पडरिया जलाशय 3 वर्षों से टूटा हुआ है और अनेकों बार क्या है, हम लोग जो है आवेदन देते हुए हैं, कलेक्टर साहब को भी दिए हैं, विभाग को भी दिए हैं, SDO अभियंत्री सबको दिए हैं, पर आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है और बांध के फूटने से काश्तकार को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षति भी है, 3-4 गांव के काश्तकार परेशान हैं, खेती तो हो नहीं पा रहा है, पानी रुक नहीं रहा है और बारिश में बांध का पानी सीधे काश्तकारों की जमीनों में जा रहा है। भाई हमारा बंधान बन जाए तो हम दाना पानी कमाबो, दाना पानी कमाबो तो कहीं कब 15 दिन बाद हमारा शुरू हो जाए काम, नहीं तो हम चक्का जाम करबो। विभाग ने प्राकलन बना के जमा कर दिया, जिला पंचायत में भी प्राकलन जमा है, विभाग में भी जमा है, टेंडर का प्रोसीजर चल रहा है, टेंडर लगाया जाए। हमारे यहाँ बस्टर से काम नहीं होते, टेंडर से काम। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।